अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, गवराज के सबोडेट 17 जुलाई 2020 क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक टू स्लीप पोइम सब टॉपिक इंग्लिश क्वेश्चन एंड आंसर्स बुक पेज नंबर 65-68। यानी अथ मुतलिक इंसान अख शना बच या बूढ़ या जवान लकुट आराम त्रावान पमस कुछ आराम अमस मुख्तलिफ कस्म खयाल जहन मज मुख्तलिफ कस्म खयाल सोच गुमसुम गा खयाल मत मुतलिक पोइम यानि रात नंदर गुक सवाल टू हूम इज द पोइम एड्रेस्ड यानि पोइम कथ कुन आम एड्रेस कर इट इज एड्रेस्ड टू स्लीप स्लीप गई नंदर यानि नंदर कुन आम एड्रेस कर वट दुम सवाल वट डज द स्पीकर वॉन्ट स्पीकर क्या सो अत ही वॉन्ट स्लीप टू कम टू हिम यानि पोइट स्पीकर स्पीकर अतम स्पीकर नंदर गुन मे ग नंदर खजन क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मेनी स्लीपलेस नाइट्स डिड द स्पीकर हैव दपा अमस कचा स्पी स्लीपलेस नाइट्स तम कच रच आम रचन अम नंदर कर्म कराम कर्मुत कह फ्रंट सा जवाब ही आंसर 3 नाइट्स ठीक से वट विल द स्पीकर हियर इन द मॉर्निंग स्पीकर क्या से बो सुबह मॉर्निंग मज कम सवाज बोज ही विल हियर द मेलोडीज ऑफ लिटिल बर्ड्स यानि सुरीली आवाज तिहन गवन लिटिल बर्ड यम तिहद गवन बोजान सुबह यानि स्पीकर तोजान अगर आसान बिस्तर मज सुबह किस तथा टाइम बोजान तिस तिज आवाज यानि स्पीकर से यानि कस आवाज बोजान यह लिटिल बर्ड हज आवाज बोजान तिस एंड द सैड क्राई ऑफ द कुकु बे बोजान गमगीन आवाज क्राई कम सज कुकु जानवर क्वेश्चन नंबर 5 वट आर द क्वालिटीज ऑफ स्लीप यानि सह स्लीप नंदर अम क्वालिटीज दैट द पोइट एप्रिशिएट इन पोइट एप्रिशिएट एप्रिशिएट शाबोशी कर स्लीप इज द मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स नंदर यह मज कम मज फ्रेश थॉट्स ताज सोच एंड जॉयस हेल्थ बेहत मंद मतलब हेल्थ इट इज दीज क्वालिटीज उम तम क्वालिटीज दैट द पोइट एप्रिशिएट पोइट एप्रिशिएट कर पोइम अम प्या लैंग्वेज वर्क अम ए पार्ट द पोइम हैज फिक्स्ड राइम स्कीम पोइम फिक्स्ड राइम स्कीम राइम्स गई तम राइम्स राइमिंग वर्ड्स गई तम वर्ड्स आवाज हिशी नीर मगर मीनिंग थान डिफरेंट पर्नस मज आवाज हिशी दीज आर एज फॉर एग्जांपल यानि बीज सीज बीज यानि आवाज हिशी ना बस बीज सीज ठीक है मगर मीनिंग मुख्तलिफ दोनों लफ्जन यानि बीज गई शहद की मक्खी सीज गई समंदर ठीक है आंसर बन गई बाय स्काई light cry melodies trees lay day wealth health shop part samajh aaya very good baad ko hum b part collective noun yani collective noun kya hua is a noun that is singular in form is a form mein hai singular hai yani singular is mein aata hai but refers to a group magar refer ko nahi mush karna groups ko yani aisa cha ग्रुप निशानदि कर पे अगर यो ना वो अम मगर हर यह ग्रुप ठीक है यह तदाद आफर या जानवर या बे कुछ तो ग्रुपस हमारे सिंगुलर ना फॉर एग्जांपल एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स यानि आर्मी हे आर्मी आई अलग आम पे वाशि लफ्ज मे हे आर्मी आई यानि आर्मी आई मतलब आर्मी लफ्ज यह एज सिंगुलर इस्तेमाल कर मगर यह नजर त्रावान यानि आर्मी मतलब ना नफरी यानि सोल्जर्स ठीक है ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस ठीक है ए चेन ऑफ माउंटेन्स ए फ्लाइट ऑफ लोकस्ट्स ए हर्ड ऑफ डियर जुंड ग्रुप जमात ए लिटर ऑफ पपीज
a string of camels, a pride of lions, a team of horses, a hive of bees. मगलिया होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है सर, ये उसमें बी पार्ट। पची में लैंग्वेज वर्क में जो है ब्याह क्वेश्चन है इसमें सी पार्ट क्या है, नेम्स ऑफ सम एनिमल्स बर्ड्स मैच विद देयर क्राइज साउंड्स, यानी बल्कि सोशल केसन एनिमल हुन बर्ड हुन नाउ दित एमन हुन छता रलाउन पान हुन और योर कुस जानवर किम किस्म की आवाज करन है सोशल मुश, ये सही आंसर आप लिखो बन गई जवाब इमी आई लिखो ना एनिमल्स क्राइज एवलिक साउंड्स कुस एनिमल किम किस्म की आवाज करन, यानी आसिस ब्रे बीज बज कैट्स पुर और म्यू कैमल्स ग्रोंट क्रोज कॉ हिनस कॉलक सी एल यू सी के डक्स कैट ईगल्स क्राई फ्लाइज हम टर्कीज गोबल वॉल्व्स हाउल लॉयन्स रोर मंकीज चैटर पैरोट्स टॉक शीप ब्लीट स्नेक्स हिस पिजन्स कू, यानी इस हा राइट साइड से बोर्ड अत मैं आवाज दिख साउंड दिख क्राइज दिख कुछ जानवर किम किस्म आवाज कड़ान तो योरक लेफ्ट साइड से अ जानवर एनिमल नाव लिख, ठीक है सर, थैंक्स आज वो यहां पगह इनशा वो बोल क्या सोच।